लेजिस्लेशन जब तक नहीं होती इस मामले में। तो एक और उस पर जाने से पहले कि आप क्या सजेस्ट करती हैं, और अब आप लोग आए हैं हुकूमत में तो क्या करेंगे यूथ के लिए, एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि जी स्टेट को फर्क ही कोई नहीं पड़ता, या स्टेट को पता ही नहीं है रियलिटीज़ के, ऑडियंस चाहती क्या है, होता क्या है। इलेक्शन में भी हमने यही नैरेटिव कंटिन्यूसली देखा कि जी पब्लिक का मैंडेट, पब्लिक का मैंडेट। तो कितना अफेक्ट करता है आप लोगों की गवर्नमेंट की वर्किंग को, और फिर वो जो मैंने पहले क्वेश्चन किया कि किस तरफ आप लोग लेके जाएंगे। थैंक यू अम्मा फॉर कॉलिंग मी है, थैंक यू वीसी साहब फॉर इनवाइटिंग मी है। ऐसे फोरम्स जो होते हैं वो बड़ा एनर्जाइज करते हैं, और इंटरेक्शन जब यूथ के साथ होता है तो एक दिल में उम्मीद भी जागती है, और एक बड़ा पॉजिटिव एनर्जी हम फिर वहाँ से इवेंट से लेके जाते हैं, एंड वी वर्क विद मोर इंथुजियाज्म। इकबाल ने कहा था, काबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो हम अगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की बात करते हैं, देखिए एज ए लेजिस्लेटर आपने बात की कि हम क्या सोचते हैं, यूथ हमारी जो है दे आर द रियल ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द सोसाइटी। कहीं भी आप किसी भी सोसाइटी में देख लें, UNDP की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो इस वक्त 65-70% ऑफ द पॉपुलेशन है। 65-70% ऑफ द पॉपुलेशन इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। आप इस एक बड़े चंक को एसेट भी बना सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और अगर आप उस पर तवज्जो नहीं देते तो यही एक बड़ा चंक आपके लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी भी बन सकता है। तो गॉड फॉरबिड, हम ऐसी कोई चीज़ें नहीं करना चाहते कि इतना बड़ा चंक हमारे लिए एक लायबिलिटी बने। हम यही चाहते हैं कि मुल्क और कौम की तरक्की में हमारी यूथ जो है वो हमारे साथ इंगेज करें, और हम इनके लिए कुछ कर सकें। एज ए लेजिस्लेटर मैंने कभी ये नहीं कहा, आपको मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड में सारा पता है जो पिछले टेन्योर में भी था, आई नेवर आस्क पीपल व्हाट यू हैव डन फॉर मी, आई सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। हमें ये देखना होगा कि हम अपनी यूथ के लिए क्या कर सकते हैं। आपने इंट्रोडक्शन में आपकी जो साथी थी उन्होंने मुझे कहा आयरन लेडी, तो वो मुझे इस्लामाबाद में इसलिए कहते हैं बिकॉज आई हैव फॉट फॉर द राइट्स ऑफ बलूचिस्तान। हमने फंडिंग की बात हो, हमने डिफरेंट फोरम्स पे जहाँ भी बात हो, जैसे CM साहब ने भी कहा कि वी विल फाइट, वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ बलूचिस्तान। हाँ, बात यह है कि आपके सामने वही मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात आती है कि कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई काम कर नहीं रही है आपके हवाले से। बलूचिस्तान के लोग जब जाते हैं इस्लामाबाद पे जाते हैं, या हम कहते हैं कि जी बहुत सारी चीज़ें फेडरल हमें नहीं, गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही है, या हमारी यूथ जो है वो बड़ी डिसकंटेंट है, एक बड़ा अच्छा सा शेर हमेशा मेरे जहन में रहता है और मैं हमेशा इसको डिफरेंट फोरम्स पर भी यूज़ करती हूँ कि मुख्तलिफ अपनी कहानी है ज़माने भर से, कुछ अलग से हमें हालात हम लिए फिरते हैं, सुना है शहर में कुछ शोला नवा, चंद सुलगते हुए नगमात लिए फिरते हैं। जब हम इस्लामाबाद जाते हैं ना तो हमारी कैफियत यही होती है। मोहतरम सरफराज साहब मेरे भाई पहले सेनेटर थे, तो बहैसियत सेनेटर वहाँ पे बलूचिस्तान के हुकूक की बात करते थे। हम लेजिस्लेटर्स के तौर पे इस्लामाबाद जाते थे, मेरे पास हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी रही है, मैं एडवाइज़र टू CM रही हूँ साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी, और मेरे पास जिम्मेदारी रही है लॉ पार्लिमानी अफेयर्स की। पार्लिमानी अफेयर्स में हमने पहली दफ़ा ये शुरू किया कि आप यूथ के लिए हमने असेंबली के दरवाजे खोले कि आपके डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लोग आएँ, स्टूडेंट्स आएँ, आके कार्रवाई भी देखें असेंबली की किस तरह होती है, डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ को भी अटेंड करें, देखें वहाँ क्या काम होता है, असेंबली को विज़िट करें। ऑफ एंड ऑन हमने ये असेंबली के विजिट, और अभी एक रेगुलर फीचर है, न सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बल्कि स्कूल्स के बच्चों को भी हम लेके आते हैं। जैसे शाहिद भाई ने ये बात कही, दिस वॉज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, आई थिंक थ्रू आउट पाकिस्तान ये चीज़ नहीं थी जो कि हमने की। बेसिक मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि वहाँ जो लोग बैठे हैं लेजिस्लेटर्स हैं वो कोई एलियन मखलूक नहीं है, आप ही में से हैं, इसी तरह ही काम करते हैं और आपके लिए ही काम करते हैं।
जो पॉलिसीज हम बनाते हैं, यूथ पॉलिसी पे हम काम कर रहे थे पिछले टेन्योर में और इंशाल्लाह इस दफ़ा उसको कंटिन्यू करके पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, उसका मेन एम बहसियत लेजिस्लेटर, देखिए जो मेरा एम है वो ये है कि मैं अपने यूथ को आई शुड सॉलिडिफाई देयर माइंड्स, आई शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटीज एंड द रिसोर्सेज एंड द रिकग्निशन दैट दे शुड रिकग्नाइज देयर अबिलिटीज, दे शुड रिकग्नाइज देयर पोटेंशियल एंड दे शुड यूटिलाइज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ देमसेल्व्स एज इंडिविजुअल्स एंड फॉर द कम्युनिटी ऑन द होल। जब तक आप अपनी ये दो जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, एक जिम्मेदारी जो आपकी अपनी तरफ बनती है और एक जिम्मेदारी जो आपकी माशरे की तरफ बनती है, ये जब तक आप पूरी नहीं करेंगे, हम जितना भी काम कर लें उसका रिजल्ट आधा ही रहेगा, वो 50% ही रहेगा। आपको भी इसमें ये पार्ट ऐड करना होगा कि हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके लिए लेजिस्लेशन के हवाले से, उसमें आपको इंगेज किया जाएगा डिफरेंट स्टेप्स पे। यूथ पॉलिसी जो बनाई जा रही है वो यही है कि अब हम, क्योंकि डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं बलूचिस्तान के, आप यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो को देख लें, आपके मुल्क में कहीं भी इस तरह का सिनेरियो नहीं है, आपको अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए लेजिस्लेशन बनानी चाहिए एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। मैं 3 स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरपर्सन रही हूँ, आई वॉज द ओनली पार्लियामेंटेरियन जिसके पास 3 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्टैंडिंग कमेटीज थी। हमने 8-8, 10-10 घंटे काम किया है लेजिस्लेशंस पर और हमने वो लेजिस्लेशंस बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बनाई है, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। हमने कट कॉपी पेस्ट वाला काम किया ही नहीं है जहाँ पर लेजिस्लेशन सिर्फ एक खानापूरी के लिए की जाती है और सिर्फ उठा के उसमें सिर्फ प्रोविंस का नाम चेंज कर देते हैं और वही लेजिस्लेशन ले आते हैं। जो बलूचिस्तान की यूथ पॉलिसी बन रही है, अब हमने कोशिश ये की है कि बहुत सारी जो हमारी लेजिस्लेशंस हैं उनको यूथ ओरिएंटेड और यूथ सेंट्रिक पॉलिसीज बनाया जाए, वो एक्ट्स लेके आए जाएं जो आपकी पॉपुलेशन के इतने बड़े चंक को, जो ये डिसकंटेंट और नाराजगी की बात हो रही है, इससे निकालें। इससे निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करें। मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने जितनी लेजिस्लेशंस पे काम किया है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मैंने बुलाया है, हमने बैठ के मीटिंग्स की हैं, क्योंकि दैट इज़ द वे इट शुड बी। आप जब पब्लिक पॉलिसी एक बना रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, यू शुड हैव द इनपुट ऑफ द पीपल देमसेल्व्स कि वो क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं। बंद कमरों में बैठ के काम करने वाली बात जैसे सीएम साहब ने की है, ये चीज़ आई थिंक इज़ ऑब्सोलीट नाउ। हमें आप लोगों के दरमियान बैठ के ही ये काम करना है और जो लेजिस्लेशन हम कर रहे हैं उसमें आपको, वी आर ट्राइंग टू गिव यू अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसमें आप इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो, जिसमें आप सोशली भी साउंड हो, जिसमें आप कम्युनिटी के लिए एक मस्बत किरदार अदा कर सकें। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है तो इसी का एक हिस्सा है कि हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल ओरिएंटेशन पे भी काम करेंगे, क्योंकि अब वो ज़माना है जब सिर्फ पढ़ा लिखा होना और डिग्री याफ्ता होना जो है वो कामयाबी नहीं है। जब तक आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसी स्किल रखी होती है जो वो इस्तेमाल कर सकता है और उसे करनी चाहिए। एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे फॉर अस। हम अगर अहादीस में भी देख लें तो हमें क्या गया है कि आप तालीम हासिल करें माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। तो वो तालीम सिर्फ ये नहीं कि मैंने एमए कर लिया, बीए कर लिया, मैंने पीएचडी कर लिया या कोई और मैं बाहर से पोस्ट ग्रेड कराई, उसमें आपकी स्किल इन्हेंसमेंट भी है, उसमें आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी है। क्योंकि जब आप इस तरह करते हैं यू डू नॉट स्टॉप ग्रोइंग एट अ सर्टन एज, चाहे वो मेंटल हो या आपका प्रोफेशनल लेवल हो, यू हैव टू कीप कंटिन्यूइंग इम्प्रूविंग योर सेल्फ। आप सब यूथ जो यहाँ बैठे हैं, आगे जाके आप ही लोगों ने मुल्क की बागडोर संभालनी है, आप ही लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स में जाना है। यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं कल को यही वर्किंग वुमेन होंगी, यही माएँ होंगी इस माशरे की जो एक मस्बत तरफ माशरे को लेके जाएंगी। माइंड सेट्स की बात जब हम करते हैं, कम्युनिटी बिहेवियर चेंज की हम बात करते हैं, तो आप ही हमारी नर्सरीज हैं जहाँ से हम ये पॉजिटिव चीज़ अपने माशरे में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप ये चीज़ यहाँ से सीख के जाएंगे तो आप जाके मुल्क और कौम के लिए एक कलीदी किरदार अदा करेंगे इस हवाले से कि आप ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस मुल्क को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेजिस्लेशंस के हवाले से जब 18 अमेंडमेंट की बात सबने की है, तकरीबन 18 अमेंडमेंट की जब
हुसूल की कोशिशें हो रही थी तो सब ने बड़े जोर शोर से 18 अमेंडमेंट के हुकूक मांगे और हासिल किए। बट वॉट वी डिड नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन वो ये था कि साइमल्टेनियसली वी डिड नॉट डिवेलप आर HR, वी डिड नॉट डिवेलप आर लेजिस्लेशन, वी डिड नॉट मेक पॉलिसीज। शायद हो सकता है कि हमें यकीन ही ना हो उस वक्त कि हमें ये हुकूक मिलेंगे, लेकिन जब वो मिल गए तो हमने उसके लिए अपने आप को तैयार ही नहीं किया। जब आपने तैयार ही नहीं किया, आपकी पॉलिसीज उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकती, आपके पास वो लोग नहीं हैं, वो इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जो उस 18 अमेंडमेंट के जरिए मिलने वाले राइट्स को पूरी तरीके से आप आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचा सकें। ये जो सबसे बड़ा एक गैप आया है, इसने शायद हमें और हमारे सूबे को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। इस गैप को ब्रिज करने के लिए अब हम बहुत इंथुजियास्टिकली, CM साहब की बड़ी एक्टिव लीडरशिप है और मुझे खुशी है कि हमें इतना वेल वर्स्ड, वेल स्पोकन और एक्टिव CM मिला है कि हम वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। जैसे शाहिद भाई ने बात की है ना कि वो आदत सच वाली और वो माजरत खाना लहजा वाली जो बात है कि जब इस्लामाबाद जाते हैं तो हम बड़े माजरत खाना लहजे में बात करते हैं, लेकिन जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए और जो अब है वो ये है कि हम बड़े फर्म तरीके से बट पोलाइटली, एज CM सेड, वी आर गोइंग टू नॉट ओनली आस्क फॉर आर राइट्स बट वी आर गोइंग टू गेट आर राइट्स बट कीपिंग आर सेल्व इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई एक एलियन कॉन्सेप्ट या फिनोमेना नहीं है, मैं बजाते खुद जाती तौर पर तो इसको बड़ा इंप्लीमेंट कर चुकी हूँ और इस्लामाबाद में बड़ी नोटोरियस भी उस हवाले से कि वो कहते हैं कि मैडम अगर आ गई है तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। सो आई होप कि आप लोगों के लिए हम वो कर सकें। डिफरेंट फोरम्स पे आपको हम इंगेज करेंगे, ये पॉलिसी में लेवल में इंशाल्लाह जब हम इसको असेंबली में पेश करने जा रहे होंगे उससे पहले हम इंगेज करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की यूथ के साथ, ताकि हम जान सकें कि वो इसमें क्या चाहते हैं। हमने अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया है, हमने अपनी तरफ से ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन हम इस वक्त स्मॉल ग्रुप्स ऑफ यूथ के साथ इंगेज कर रहे हैं और उनसे एक मशावरती सेशंस करते हैं कि जी आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से आप चाहते हैं कि आपके इश्यूज को एड्रेस किया जाए। बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर आई नो हमारे प्रोफेसर्स कहते थे कि जी आप पेशेंट की हिस्ट्री को बड़े गौर से सुने, क्योंकि वो आपको अपना डायग्नोसिस भी उसी में बता रहा होता है और आपको अपना सोल्यूशन भी बता रहा होता है उसके अंदर। सो आई कीप दैट प्रैक्टिस इन एवरीथिंग दैट आई डू कि आपकी बात हम बड़े गौर से सुनते हैं। अल्लाह ताला ने हमें दो कान इसलिए दिए कि हम बड़े गौर से बात सुने और एक जबान दिए कि उससे बोलो, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। तो हम इंशाल्लाह ताला आपको भी यूनिवर्सिटी को एक सेशन हम आपके साथ रखेंगे, VC साहब के साथ भी मेरी ये बात हुई है, उसके अंदर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके साथ हम बैठ के ये डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपनी पॉलिसीज क्या चाहते हैं, आपकी जो डिसकंटेंट है और जो नाराज़गी है उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और ये जो एक डिसकनेक्ट है जो आप समझते हैं कि पॉलिटिकली या स्टेट के साथ आप लोगों का कोई मिसमैच है, आप लोग एक्सेप्ट समझते हैं कि शायद आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, इंसानी जहन का सबसे प्रिमिटिव फीलिंग जो है, दैट प्रिमिटिव फीलिंग इज हैविंग अ फियर ऑफ आइसोलेशन। और सबसे जो बड़ी एक डिजायर है वो ये है, हैविंग द डिजायर टू बी एक्सेप्टेड। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद ट्रेंड्स को फॉलो करते होंगे जस्ट टू बीइंग एक्सेप्टेड। वो चीज़ ना करें, अपने इस्लाफ की हिस्ट्री को पढ़ें, आप अपने आप को और अपनी वैल्यू को खुद जानें कि आप क्या हैं, आपका ताल्लुक किस मजहब से है, आपका ताल्लुक किस उम्मत से है, आपके अंदर ऐसे ऐसे, अगर साइंटिफिकली भी आप कहते हैं तो साइंटिफिकली भी हमारे पास इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया को वो सारी चीज़ें दी हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। सो रिकग्नाइज योर सेल्फ और ग्लोबली हम फिर उस दौर की तरफ जाएं जहां दुनिया हमें पहचाने कि हम कौन हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उससे पहले हम खुद अपने आप को पहचानें कि हु वी आर। हम खुद तराशते हैं ज़माने के संगोरा, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। थैंक यू सो मच।